मैं कुछ पूछ रही हूँ इबादत, क्या तूने फरहान को जेल से छुड़ाया है? बोल। हाँ नानी अम्मी। खुदा तुझे गारत करे। हाँ क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने उस आदमी को जेल से छुड़वा दिया जिसने इस घर की बेटी को बेचने की कोशिश की, जिसने सुभान की जान लेने की कोशिश की, तुमने उसे जेल से छुड़वा दिया। या अल्लाह तुम क्या चाहती हो इबादत? क्यों किया है तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा है मेरी सुभान ने तुम्हारा? बोलो, अभी मुझे बताओ कि फरहान के साथ मिलकर तुमने मेरे सुभान को कहाँ गायब किया? साफ साफ बता दो, वरना अल्लाह पाक की कसम तुम जिंदा नहीं बचोगी। बोलो तुमने सुभान के साथ क्या किया है? बोलो। इबादत, तुमने फरहान को जेल से क्यों छुड़ाया? तुम जानती हो ना कि वो सुभान का दुश्मन है। वो पता नहीं मेरे सुभान के साथ क्या करेगा। इबादत कहीं तुम उसके साथ मिली भी तो नहीं? बताओ भाभी, सुभान भाई कहाँ है? बोलो ना भाभी। चुप। ना ये किसी की बेटी है, ना किसी की भाभी है, और ना किसी की बीवी है। ये चुड़ैल है, चुड़ैल जो मेरे बेटे को खा गई है। बस तुम इतना बता दो कि तुमने और फरहान ने मिलकर सुभान के साथ क्या किया, ताकि हम पुलिस में जाकर फरहान को पकड़वा सके और सुभान को छुड़ा सके। क्यों किया ऐसा तुमने इबादत? क्यों किया ऐसा? बोलो इबादत। मैं कुछ पूछ रही हूँ इबादत, उस गुंडे को क्यों छुड़वाया तुमने? क्यों? अम्मी, मैं मजबूर थी अम्मी।